सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा। डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा छठवीं विषय हिंदी। आज मैं आपको पाठ 25 सेवा भाव, इस पाठ का अभ्यास जिसमें प्रश्नों के उत्तर एवं भाषा अनुशीलन समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से समझिए, अब मैं आपको समझाती हूँ। आप निकाल लीजिए प्रश्न, देखिए। अनुभव विस्तार बोध प्रश्न, अब ये बोध प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विजय कौन से शहर में रहता था, तो ये हमें इसका उत्तर बताना है। विजय प्रतापपुर शहर में रहता था। कहाँ रहता था? प्रतापपुर शहर में। गर्मी की छुट्टियों में वह किसके पास गया? गर्मियों की छुट्टी में वह अपने नाना जी के पास घूमने के लिए गया था। विजय के पिताजी किस पुस्तक से विजय को अच्छी बातें सिखलाते थे? विजय के पिताजी गीता से विजय को अच्छी बातें सिखलाते थे। मुरझाए हुए पौधों को देखकर विजय ने क्या किया? मुरझाए हुए पौधों को देख करके विजय ने एक बाल्टी पानी ले जाकर के उन पौधों पर डाला, पौधों की जड़ों पर डाला, जिससे मुरझाए हुए पौधे फिर से हरे भरे हो गए। कार में बैठे व्यक्ति का नाम क्या था? उसका क्या व्यवसाय था? कार में बैठे व्यक्ति का नाम धनिक लाल था, वह व्यापारी था। विजय गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने गया? अब ये प्रश्नों के उत्तर देना है। विजय गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना जी के यहाँ सूरजगढ़ शहर घूमने के लिए गया था। विजय नाना जी के साथ घूमने जाते समय रास्ते में क्या क्या करता था? विजय नाना जी के साथ प्रतिदिन प्रातः काल घूमने के लिए जाया करता था। वह अपने साथ कुछ अनाज के दाने भी ले जाया करता था। वहां पर उसे जो पक्षी मिलते थे उनको वह अनाज के दाने डाल करके चुमाता था, और जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति मिल गया तो उसको सड़क पार करवा देता था। कोई जानवर जो असहाय है उसकी भी सेवा करता था, और क्या है, पशु पक्षियों सभी की सेवा भाव उसके मन में भरी रहती थी और वह करता था। विजय को रास्ते में क्या दिखलाई दिया जिससे वह दुखी हुआ? विजय को रास्ते में कुछ सूखे मुरझाए हुए पौधे दिखाई दिए जिन्हें देख करके वह दुखी हुआ, और वह सोचने लगा कि कहीं पानी मिल जाए तो मैं उन पर पानी डाल दूं जिससे ये मुरझाए पौधे हरे भरे हो जाए। कार में बैठे आदमी ने विजय के काम को देखकर क्या किया? एक व्यक्ति वही कार में पास में बैठा हुआ था। विजय पास में देखता है कि पानी कहाँ मिलेगा। जैसे ही उसे एक हैंडपंप दिखाई दिया वह वहां जाता है, और वहां से एक दादाजी हैंडपंप से पानी निकाल रहे थे। वह उनसे कहता है, क्या दादाजी आप मुझे एक बाल्टी पानी दे सकते हैं? उसके सीधे स्वभाव वाले लड़के के चेहरे को देखकर उन्होंने हाँ भर दी। वह पानी लाता है और पेड़ों पर डालता है जिससे वो हरे भरे हो जाए। यह काम कार पर बैठा हुआ एक व्यक्ति देख रहा था, और उसने इस काम से खुश होकर के वह कार से नीचे उतरा और अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकाल करके विजय को थमाया। विजय ने पुरस्कार में प्राप्त आमों का क्या किया? जब विजय ने धनिक राम से 50 रुपए का नोट पुरस्कार में नहीं लिया तो धनिक लाल ने कहा कि मेरा ये स्वयं का बगीचा है जो सामने दिख रहा है, इसमें से कुछ आम मैं लाया हूँ और अपनी कार में रखे हूँ, क्या तुम आम ले सकते हो? तो उसने उन के कहने पर अपने नाना जी के चेहरे तरफ देखा। नाना जी मौन से ही उनको लेने की सहमति दे दी विजय को, और उसने वो आम ले लिए। उसने जब वह घर जाने लगा विजय, तो रास्ते में जितने भी बच्चे मिल रहे थे वह सभी को एक एक आम पकड़ाते जा रहा था।
और घर में जाकर के उसने उन आमों में से एक आम उठाया और अपनी नानी से बोला, मोहल्ले में ये आम सभी बच्चों को बांट देना। कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द छांट कर करो। विजय, दो शब्द दिए हैं, इसमें से उचित शब्द बनना। विजय सरल स्वभाव का बच्चा था। क्या आएगा? सरल स्वभाव। विजय प्रतिदिन खाली स्थान घूमने जाता था प्रातः काल। विजय को पास में ही एक हैंडपंप दिखलाई दिया। कार में बैठे व्यक्ति ने विजय के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। ये रिक्त स्थान हो गए। अब मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। हृदय को छूना यानी स्पर्श करना, बातों का मन में स्पर्श होना। भूरी भूरी प्रशंसा करना यानी बड़ाई करना। किसने किससे कहा, बेटा तू यहाँ मेरे साथ घूमने आता है या इन सभी की सेवा करने? अब इसका आएगा, बेटा तू मेरे साथ। नाना जी ने विजय से कहा, दादाजी क्या आप मुझे एक बाल्टी पानी दे सकते हैं? विजय ने हैंडपंप से पानी निकालने वाले दादाजी से कहा, मैं तुम्हें इसलिए पूरा कुछ भेंट देना चाहता हूँ। धनिक लाल ने विजय से कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं यह रुपये नहीं ले सकता। विजय ने धनिक लाल से कहा, सही गलत का चिन्ह लगाइए। विजय मोहल्ले वालों को बहुत परेशान करता था, गलत। विजय पक्षियों को चुगने के लिए दाने डाल देता, सही। नाना जी को विजय का सेवा भाव देखकर गर्व होता था, सही। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले, गलत। विजय ने गीता की सीख को अपने जीवन में अपनाया, सही। अब भाषा अध्ययन देखिए। प्रश्न 8वां देखिए। नीचे कुछ शब्द और उसके विलोम शब्द दिए हैं। स्नेह, स्नेह का विलोम होगा घृणा। नाराज का विलोम शब्द होगा प्रश्न। अच्छा का बुरा, अस्वीकृत का स्वीकृत। सॉरी, सुखी का होगा दुखी। पुरस्कार का होगा दंड। ये थे विलोम शब्द। अब निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मोहल्ला, मोहल्ला, विजय, मोहल्ले में सभी की सेवा भाव का ध्यान रखता था। मोहल्ले के सभी लोगों के प्रति सेवा भाव का ध्यान रखता था। चिकित्सक, बीमार होने पर हम चिकित्सक के पास दवा कराने के लिए जाते हैं। आत्मसात, विजय द्वारा सेवा भाव देखकर धनिक लाल आत्मसात, उसकी बातों को उसने आत्मसात कर लिया। विनम्रता, विजय में विनम्रता के भाव कूट कूट कर भरे हुए थे। निष्काम, विजय का निष्काम सेवा भाव हृदय को छू लेता था। प्रशंसा, पेड़ पौधों पर पानी डालते हुए देख धनिक लाल विजय की प्रशंसा करने लगा। पुरस्कार, धनिक लाल ने विजय के काम को देख करके 50 रुपए पुरस्कार में दिए। आश्चर्य, छोटे से बच्चे का सेवा भाव देख करके धनिक लाल आश्चर्य में पड़ गया। तो बेटा, मैंने यहाँ आपको अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, भाषा अनुशीलन पूरा समझा दिया है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।